हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हरनीत कौर कोहली, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, पटियाला। आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे कि PTSD कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। चलो देखते हैं कि PTSD होता क्या है। PTSD एक मानसिक बीमारी है जो कि ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंडर आती है। जो इंसान इस बीमारी से लड़ रहा है उसने कोई दुर्घटना का सामना किया होता है, मे बी कुछ साल पहले या रिसेंटली, या तो वो उसके साथ खुद के साथ हादसा हुआ होता है या फिर उसने कोई दुर्घटना देखी होती है, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई चोरी हो गई, या उसके साथ खुद के साथ कोई रेप हुआ होता है, या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, फिजिकल अब्यूज़ हुआ होता है। PTSD दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसके अंदर कि इंसान के साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है जो वो भूल नहीं पा रहा होता, कुछ देर महीने तक याद रखता है और उसको लेकर बहुत परेशान रहता है। और दूसरा होता है कि कॉम्प्लेक्स PTSD। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स बहुत मल्टीपल होते हैं और कई बार एक इंसान को उस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कई बारी बुलिंग हुई होती है किसी की, नहीं तो जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई होती है, कभी कभी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं बहुत परेशान रहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इसमें जो ट्रॉमा है वो कंटिन्यूस रहता है। मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ ट्रॉमा एक इंसान को इतना परेशान कर सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी सही से जी नहीं पाता। कॉम्प्लेक्स PTSD के लक्षण ये होते हैं कि वो जो इंसान आपके पास आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं उन इंसिडेंसेस के जो उनके साथ बार बार हुए होते हैं, उनकी दिल की धड़कन तेज़ होती रहती है, उनको बहुत एंग्जाइटी रहती है, उनको एकदम रात को वो स्टार्टल्ड होकर उठ जाते हैं, नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस होती हैं। आके वो यही बोलते हैं कि हमें जीने का मन नहीं करता, हम इतने परेशान हैं उन फ्लैशबैक से कि किसी तरह हमारे को वो भूल जाएं, बट वो भूलते नहीं हैं उनको। उनकी इतनी इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाती है कि मूड ऑफ रहता है, किसी से रिश्ता नहीं बना पाते क्योंकि इतना दुख सह चुके होते हैं कि उनको रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट उठ जाता है। कॉम्प्लेक्स PTSD और PTSD में फ़र्क ये है कि जो PTSD वाले पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर के पास आते हैं टाइम पे, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, 2-3 सिटिंग्स के अंदर वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही ऐसा इंसिडेंस होता है जिससे वो गुजरे होते हैं। कई बारी आप देखा जाएगा कि उनको बिंज ईटिंग की भी आदत पड़ गई होती है, बट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स PTSD की तो वो लोग इतने ज़्यादा इंसिडेंसेस हो चुके होते हैं उनके साथ, मल्टीपल ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस की, जब तक वो बार बार उस इंसिडेंस को डिस्कस नहीं कर लेते, मल्टीपल विजिट्स नहीं देते डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट के पास आके सब कुछ शेयर नहीं करते, तब तक कि उनके जहन में से वो बातें नहीं निकलती, कई बार तो बेचारों को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है जिसके कारण सेल्फ हार्म टेंडेंसीज आ जाती हैं, वो अपने आप को मारना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, कई बार तो वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ तक में पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसमें से हम एक या दो लक्षण मैंडेटरी हैं होने। पहली चीज़ है कि पहले एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंस उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, कुछ इंट्रूसिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, पुरानी यादें, ये इनमें से एक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें अराउजल सिम्टम, जिसको कि जैसे रात को नींद में उठना, घबराहट का होना, पसीना आना, एंग्जाइटी होना, इनमें से कम दो लक्षण होने बहुत ज़रूरी है। फिर उनके मूड को अगर देखें तो बहुत ही डिसरेगुलेटेड रहता है, उनमें से कम दो सिम्टम्स होने चाहिए जैसे कि सैडनेस, इम्पल्सिवनेस, चिड़चिड़ापन। अगर हम देखें कि रिलेशनशिप्स को, तो वो रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी सारी बातें करेगा विद द हेल्प ऑफ टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी डिस्कस करेगा, तो बातों ही बातों में साइकोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ CBT उसकी चेंजेस करेगा थॉट्स पैटर्न में, ताकि वो अपनी थिंकिंग को चेंज करे। जब एक इंसान की थिंकिंग चेंज हो जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अच्छा फील करने लग पड़ता है, उसकी एंग्जाइटीज कम हो जाती हैं, उसके जो फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स कम होने लग जाते हैं, वो अपने आप को बेटर फील करने लग जाता है। कई बारी सपोर्ट थेरेपी भी यूज़ की जाती है, कई बार ग्रुप थे
थेरेपी भी यूज़ करी जाती है, जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको गोल्स दिखाए जाते हैं कि आपको ज़िंदगी में इनसे बाहर आना पड़ेगा, कोपिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी डाइट खानी चाहिए, खुश रहना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, अपने ज़िंदगी को इन इंसिडेंट्स के कारण जीना नहीं छोड़ना। 100% इलाज इसका संभव नहीं होता, इट इज़ ट्रीटेबल बट इट्स नॉट क्योरेबल। बीमारी जड़ से नहीं जा सकती कभी भी, क्योंकि जहन के अंदर जो बातें फिक्स हो गई हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर हम टाइम टू टाइम अपनी तकलीफ़ों को डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करें, प्रॉपर इलाज कराएं, सेशंस लें, थेरेपी लें, हाँ हम काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जी सकते हैं। मगर अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन फिर से आ गई तो वो रिलैप्स हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये देखना है कि आपको ये लक्षण दोबारा से तो नहीं आ रहे, दोबारा से तो नहीं आपको लगता कि उस जगह पे मैं ना जाऊं जहां पे मुझे कुछ मेरे साथ बुरा हुआ था, उन बातों को ना सोचूं। आप ये देखो, आपको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, आपका खाना खाने का मन करता है, आपका जीने का मन करता है, आपको सुसाइड के ख्याल तो नहीं आते, क्या आपको ड्रग्स की तरफ जाने का मन करता है? अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप दोबारा से हेल्प लीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं तो यू आर वेरी लकी दैट यू हैव कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम।